हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मोस्ट पॉपुलर डिश हैदराबादी वेज डालचा, जो स्पेशली शादियों और दावतों में बनाया जाता है। तो ऐसे टेस्टी वेज डालचा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है खट्टा पालक, ये है 250 ग्राम, और एक छोटा साइज का कद्दू लौकी है, ये भी अराउंड 250 ग्राम है, और रहर दाल एक कटोरी है, बारीक कटा प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और सूखे मसाले में सरसों, जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ खड़े मसाले और एक स्ट्रिप करिया पत्ती का है, तेल और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, धो के अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी, लौकी को मैंने छील के काट लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, ये दो बड़े साइज़ के टमाटर है, हरी मिर्च है, और आधा प्याज मैं अभी डाल रही हूँ, आधा प्याज मैं बाद में डालूँगी। उसके अलावा मैं डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी मैं थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी, और एक टीस्पून तेल डालकर प्रेशर कुकर बंद करके इसे मैं 3 से 4 विजल तक, या तब तक जब तक कि दाल अच्छे से गल नहीं जाता है तब तक मैं इसे पका लूँगी। दाल 3 से 4 विजल में काफ़ी अच्छे से पक गया है, अभी मैं इसे स्पून से ही इस तरीके से मैश कर रही हूँ। अब मैंने इसे रखा साइड में, मैंने रखा है एक पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 3 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल डाल के सरसों, जीरा और सूखे मसालों में दालचीनी और बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, छोटी इलायची डालकर मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पुदीना भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, प्याज डालकर अभी मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अब मैं प्याज को थोड़ा सा सुनहरा होते तक भून लूँगी। ये दालचा आप बघारा खाना, सिंपल खाना, रोटी, पराठा, किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने इसमें डाला है खट्टा पालक, खट्टा पालक को मैंने धो के काट लिया था। खट्टा पालक नॉर्मल पालक के कंपैरिजन में बहुत जल्दी पक जाता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी है, और साथ ही इसमें हम लोग लौकी डाल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अभी मैं इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी। 3-4 मिनट बाद पालक एकदम अच्छे से गल गया है, मतलब पूरी तरीके से पक गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, अभी मैंने डाला है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च की जगह आप नॉर्मल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा कम लगता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मसाले और भाजी को मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे पका हुआ दाल, दाल डालकर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ लौकी और खट्टा पालक का यूज़ किया, आप चाहो तो बैंगन और अदर वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कुकर में थोड़ा सा दाल लगा था तो मैंने आधा ग्लास पानी डालकर उसको भी मैंने इसमें डाला है, डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे। जनरली इसे नॉन वेज के साथ भी बनाया जाता है डालचा, बट यहाँ पे हम लोग वेजिटेरियन रेसिपी बना रहे हैं। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसका कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए आधा ग्लास और पानी डाल रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा पतला जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, बट ये डालचा ज़्यादा गाढ़ा रहने से उतना अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। ये डालचा आप रोटी, चावल या पराठे किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट लगता है, बट अगर आप इसे बघारा खाना के साथ खाओगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक और पकने के लिए रख दूंगी। अभी मैंने इसे ढक के पका लिया, मैंने इसे अराउंड और 4 मिनट तक पकाया है। 4 मिनट बाद दाल थोड़ी सी और अच्छे से पक गई है और इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। ये दालचा शादियों में, पार्टियों में बनाया जाता है, आप ऐसे भी बना के अपने गेस्ट को खिलाओगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप एक बार नमक चेक कर लेना, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल देना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी की जगह आप चाहो तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हो। कस्तूरी मेथी को मैं क्रश करके डाल रही हूँ, कस्तूरी मेथी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसे ढक के मैं 1 मिनट तक और पकने के लिए रख दूंगी। 1 मिनट बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, आप देख सकते
ठंडा होने के बाद दाल थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी दालचा ज़रूर बनाइए। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।